अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यास्मीन्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट रेड्डी पाल वाला स्वीट हलवा रेसिपी। देखिए दोस्तों, ये कितना सॉफ्ट है, कितना सॉफ्ट है, जूसी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आइए दोस्तों, बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने लिया है 50 ml मूंग दाल, इसे रोस्ट कर लेंगे और इसे फाइन सा एक पाउडर बना लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से ग्राइंड कर लिया है, फाइन सा एक पाउडर बना लिया है। इसे मिक्सर का जार में डालेंगे, मिक्सर का जार में डाल दिया है। इसी में आप कोकोनट डालेंगे। हमने लिया है 250 ml 1 कप ग्रेट किया हुआ कोकोनट, इसे इसमें डाल देंगे। ग्रेट किया हुआ कोकोनट डाल दिया है। इसी मेजरमेंट से 1 कप लेंगे गुड़, इसे जागरी कहते हैं, इसे भी डाल देंगे 1 कप। वन कप डाल दिया है। इन सब सारे चीजों को फिर एक बार ग्राइंड कर लेंगे। मैंने मिक्सर का जार को चेंज कर लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, 2 इलायची लिया है, इसके बीज को डाल देंगे और छिलका को फेंक देंगे। 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर और 1/2 कप वाटर। इसे अब फाइन सा एक पेस्ट बना लेंगे। कढ़ाई लिया है, गैस का फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, इसमें लिया है बादाम और काजू, इसे फ्राई कर लेंगे धीमी सी आंच में। अब इसमें किशमिश डालेंगे थोड़ा सा, इसे गोल्ड सा रोस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से फ्राई कर लिया है इसे। अब इसे निकाल लेंगे। इसी घी में जो ग्राइंड किया था ना, वो सब इन सारे को, सारे चीजों को इसमें डाल देंगे। इस वाला रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगेगा हलवा वाला रेसिपी को। इसे अच्छे से भून लेना है दोस्तों 2 मिनट के लिए। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से थिक हो रहा है, इस तरह से थिक होना चाहिए और इसे पकाना चाहिए 20 मिनट के लिए। इस वाला रेसिपी को आप ट्राई कीजिए, कोकोनट रेड्डी पाल वाला रेसिपी को, ये बहुत अच्छा लगता है सभी को, हलवा वाला रेसिपी है, आप इसे ट्राई कीजिए। और थोड़ा सा 2 टीस्पून घी ऐड किया है, इसे जब तक पकाना है, जब तक ने ऑयल ना, घी ना छोड़ दे, कढ़ाई ना छोड़ दे, इसे अच्छे से कुक करना है। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से कढ़ाई को छोड़ दिया है, ऑयल इसका बाहर आने लगा है। इसी में काजू बादाम किशमिश डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए, देखिए किस तरह से ये हो रहा है, इस तरह से कढ़ाई छोड़ देना चाहिए। अब इसे डिश आउट कर लेंगे, देखिए अच्छे से कुक हो चुका है ये। देखिए दोस्तों, इस तरह से डिश आउट कर लिया है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, कोकोनट रेड्डी पाल वाला रेसिपी को, ये स्वीट रेसिपी को सबको अच्छा लगेगा, आप जरूर ट्राई कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।